Motion and movement. Red muscles fibers have red muscles. Aerobic muscles होती हैं ये. Red color इनमें होता है myoglobin की वजह से. More mitochondria होते हैं. Aerobic metabolism होता है. Slow and sustained contraction करती हैं red muscles, aerobic muscles. White muscle fibers have white muscles. इनमें white muscles होती हैं. White color कम मायोग्लोबिन की वजह से होता है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनएरोबिक मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म शो करती हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स 206 एंड फ्यू कार्टिलेजेस. यानी ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन हड्डियाँ होती हैं और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसमें 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स होती हैं. एक्सियल इसमें आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स. यानी फ्रंट से जितनी ऊपर से नीचे तक फ्रंट में जितना भी स्केलेटन आपको दिखता है ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहलाता है. इसमें स्कल में 29 बोन्स होती हैं. इसमें क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, हायड बोन और ईयर ऑसिकल्स आते हैं. क्रेनियल बोन्स में 8 हड्डियाँ होती हैं, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, स्फिनॉइड 1, इथमॉइड 1. फेशियल बोन्स में 14 हड्डियाँ होती हैं, 2 नेजल्स, 2 मैक्सिली, 2 जाइगोमेटिक्स, 2 लैक्रिमल्स, 2 पैलेटाइन्स, 2 इन्फीरियर नेजल्स, 1 मैंडिबल और 1 वोमर. हायड बोन में 1 हड्डी होती है, यू शेप्ड होती है, ये बक्कल कैविटी के नीचे दिखाई देती है. ईयर ऑसिकल्स में 6 हड्डियाँ होती हैं, 1 कान में मैलियस इनकस स्टेपीज 3 हड्डियाँ और दूसरे कान में भी सेम मैलियस इनकस स्टेपीज होती हैं. वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्ड ऑफ 26 वर्टिब्री, ये 26 वर्टिब्री से मिलकर बना होता है. सर्विकल वर्टिब्री 7 होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती हैं, लंबर वर्टिब्री 5 होती हैं, सैक्रल वर्टिब्री 1 होती है फ्यूज्ड एंड कोकीजियल वर्टिब्री 1 होती है फ्यूज्ड. स्कल आर्टिकुलेट्स विद फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस, जो हम लोग की फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस है उससे स्कल जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल डाइकोंडाइलिक स्कल. यानी 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल से हम लोग की खोपड़ी पहली वर्टिब्रा एटलस से जुड़ी हुई होती है. वर्टिब्रा हैज़ ए सेंट्रल हॉलो पोर्शन, हर वर्टिब्रा में बीच में सेंटर हॉलो पोर्शन होता है जिसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं. इसी से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है या होकर जाती है. नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स. सर्विकल वर्टिब्री सभी मैमल्स में इनका नंबर 7 होता है. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और वर्टिब्रल कॉलम का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट द हेड, हेड को सपोर्ट करना एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक. और इसका दूसरा काम है, ये अटैचमेंट पॉइंट है रिब्स का मस्कुलेचर ऑफ बैक से, पीछे वाले बैक के मस्कुलेचर से जुड़े रहने का. स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन बिल्कुल फ्रंट में होती है, 1 फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स के बीच वाले पार्ट पे. रिब्स 12 पेयर्स होती हैं, ट्रू रिब्स फर्स्ट 7 पेयर होती हैं. दे आर अटैच टू थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कॉर्टेज. दे आर द अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्री, ये इनिशियल की साथ हैं, थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा. वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स, 8, 9, 10 पेयर वाली जो रिब्स होती हैं ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहलाती हैं, फॉल्स रिब्स कहलाती हैं. दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, ये स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ी होती हैं लेकिन सातवीं रिब्स से ये जुड़ी होती हैं हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा. यानी पीछे तो जुड़ी हैं लेकिन आगे की तरफ स्टर्नम से न जुड़ के ये 7 से जुड़ी होती हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग रिब्स, 11th और 12th पेयर की जो रिब्स होती हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं. दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली,
ये आगे की तरफ तो किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ी होती है, नो कनेक्शन विथ स्टर्नम और अदर रिब्स, यानी इनका स्टर्नम और अदर रिब्स से कोई कनेक्शन नहीं है। ईच रिब हैज़ टू आर्टिकुलेशन सर्फेसेज, क्योंकि हर रिब पसली दो तरफ से जुड़ी हुई होती है, इट्स अ डॉर्सल एंड हैंस कॉल्ड बाइसिफेलिक, इसलिए इसे हम लोग बाइसिफेलिक बोलते हैं, क्योंकि रिब्स दो तरफ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए बाइसिफेलिक कहलाती हैं।